दीपेंद्र हुड्डा ने आज पेहवा में हरियाणा मंगे हिसाब यात्रा के तहत रोड शो का आयोजन किया। इस रोड शो में लोगों की भारी हाजिरी रही। पेहवा में कांग्रेस के झंडे ही झंडे नजर आ रहे थे और भारी भीड़ के बीच में दीपेंद्र हुड्डा गदगद थे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या दीपेंद्र हुड्डा इस भीड़ से गदगद होकर मनदीप चट्ठा को टिकट देने का काम करेंगे और ये टिकट देने का फैसला उनकी इस सीट के ऊपर किस्मत और परिणाम दोनों तय करने का काम करेगा। जी हाँ, पेहवा में मनदीप चट्ठा और कांग्रेस के दूसरे दावेदारों के क्या हालात हैं, इनकी पड़ताल हम कर रहे हैं आज की इस खरी खरी खबर में। पेहवा हलके के अगर आप 2014 और 2019 के चुनाव परिणाम को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मनदीप चट्ठा दो चुनाव लगातार हार चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा अब तीसरी बार उन्हें टिकट देने की मंशा पाले हुए हैं, प्लानिंग किए हुए हैं। लेकिन हुड्डा फैमिली को इस बात का एहसास नहीं है कि मनदीप चट्ठा जिताऊ प्रत्याशी नहीं है। अगर तीसरी बार उनको टिकट दे गई तो वो तीसरी बार भी हार के शिकार होंगे, क्योंकि चट्ठा फैमिली का जो रुतबा और रसूख था वो ख़त्म हो चुका है। पिछले 40 साल के दौरान ये सीट ऐसी रही है जहां पर दो चुनावों को छोड़कर या तो संधु परिवार जीते हैं और या पर चट्ठा जीते थे, लेकिन अब दोनों की पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है। संधु साहब जहां दुनिया से चले गए हैं, वहीं चट्ठा साहब भी पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए हैं। संधु साहब के बेटे भी पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हो पाए और ऐसे ही चट्ठा साहब के बेटे मनदीप चट्ठा भी दो बार इलेक्शन में हार का स्वाद चख चुके हैं और अब तीसरी बार वो टिकट लेने के लिए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के जरिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस को पेहवा की सीट जीतनी है तो हुड्डा फैमिली को मनदीप चट्ठा का ख्याल छोड़कर स्वामी संदीप ओमकार के बारे में सोचना होगा। स्वामी संदीप ओंकार ने 2019 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पेहवा से चुनाव लड़ा था और 21,000 वोट लेकर उन्होंने एक जबरदस्त प्रदर्शन करने का काम किया था। वो उस समय बीजेपी के टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में आ चुके हैं और रणदीप सुरजेवाला के जरिए कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। हुड्डा फैमिली को अगर कांग्रेस की सरकार बनानी है तो उन्हें रणदीप सुरजेवाला के बारे में न सोचकर उन्हें जीत के बारे में सोचना चाहिए और जीत का परचम अगर कांग्रेस के टिकट पर पेहवा में कोई फहरा सकता है तो वो संदीप ओंकार हैं, क्योंकि स्वामी संदीप ओंकार का चिन्हाधार पेहवा सीट के ऊपर डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर मौजूद है। अगर संदीप ओंकार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस लगभग 20,000 वोटों से चुनाव जीतेगी और अगर संदीप ओंकार ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा तो उन हालात में संदीप ओंकार 15,000 से 20,000 वोटों से वहां भी जीत दर्ज करेंगे। यानी संदीप ओंकार जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे वो जीत की गारंटी होगी। वैसे भी बीजेपी खेल मंत्री संदीप सिंह की टिकट काटने का फैसला ले चुकी है और नए चेहरे की तलाश कर चुकी है। वो संदीप ओंकार को ऑफर भी भेज चुकी है, लेकिन संदीप ओंकार ने कहा है कि वो पहल के तौर पर कांग्रेस को ही रखेंगे। कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की है और अगर कांग्रेस उन्हें इनकार करेगी तभी वो बीजेपी के बारे में सोचेंगे, बीजेपी का ऑफर स्वीकार करेंगे। अगर कांग्रेस ने चट्ठा को टिकट देने का काम किया तो उन हालात में संदीप ओंकार भी पलटी मार जाएंगे, वो बीजेपी में वापस चले जाएंगे और बीजेपी के टिकट पर उन्हें हराना चट्ठा के लिए नामुमकिन होगा। 2019 के चुनाव में संदीप सिंह चट्ठा से लगभग 5,000 वोटों से जीते थे, लेकिन अगर संदीप ओंकार आ गए तो वो हार का जीत का अंतर लगभग 20,000 वोटों का हो जाएगा, जिसके चलते संदीप ओंकार इस सीट के ऊपर सबसे डिसाइडिंग चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं। संदीप ओंकार ने पिछले 5 साल में लगातार फील्ड में एक्टिव तौर पर काम किए हैं, वो लोगों के बीच में जनसंपर्क में लगातार रहे हैं। और खास बात यह भी है, संदीप ओंकार का फायदा कांग्रेस को सिर्फ पेहवा सीट पर नहीं होगा बल्कि अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल के लगभग 22 विधानसभा क्षेत्रों में इनके बर्मा मंदिर के आश्रम के जुड़े हुए जो ओंकार मिशन है उसके श्रद्धालु हैं और इन हजारों श्रद्धालुओं का फायदा उन्हें 23 सीटों पर हो सकता है। यानी 4-5 सीटें ऐसी जो कांटे के टक्कर में फंसेंगी उन पे इनके श्रद्धालुओं के बदौलत पर कांग्रेस को जीत हासिल हो सकती है। और अगर हुड्डा फैमिली ने मनदीप चट्ठा के और महेंद्र सिंह चट्ठा के चक्कर में फंसकर यह टिकट उन्हीं को देने का काम किया तो उन हालात में संदीप ओंकार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव जीतकर हुड्डा फैमिली के फैसले को गलत साबित करने का काम करेंगे। यानी अगर कांग्रेस को पेहवा की सीट जीतनी है तो हुड्डा फैमिली को चट्ठा फैमिली का मोह छोड़कर संदीप ओंकार को ही प्रत्याशी बनाने का फैसला लेना होगा। पेहवा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी के फैसले का असर जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए।
पेहवा में चट्टा फैमिली के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। पेहवा सीट पर संदीप ओमकार के चुनावी फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। पेहवा सीट और पूरे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में स्वामी संदीप ओमकार के श्रद्धालुओं के फैसले को और उनके असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।